देखिए अनंका जी, सवाल नहीं है, दो बड़ी बड़ी बातें, और मुझे लगता है कि नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी के टीम के लोगों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी बार बार दलाल दलाल बोलते, थोड़ा सा आप ही लोग नेता हैं इस देश के, आप ही को तय करना है। अगर आप समझते हैं कि ये पार्लियामेंट्री वर्ड है, भाषा की मर्यादा की मर्यादा रखना, एक भारत की देश की दलाली सबसे ज्यादा किसी ने करी है तो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार, जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। अरे उत्तर प्रदेश में आपके सांसद कितने, 1 विधायक कितने, 2, और राजनीतिक हैसियत भी कटोरा देखिए, कभी पश्चिम बंगाल जाते हो, कभी उत्तर प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, हैसियत क्या है आज भी का कटोरा वो पार्टी लिए जो कभी सीटें बांटी। अरे भारतीय जनता पार्टी गुगली क्या फेंकेगी, वो गुगली ले रहे हैं या इन स्विंग पड़ गई, इन स्विंग जैसी पड़ी बॉल गिरी और गिल्ली उड़ गई, उन्होंने देखा मेरी गिल्ली उड़ गई, अब गिल्ली उड़ गई तो परेशान है, तब खो ये वही बबुआ है जो बुआ की गोदी में बैठे थे और बुआ ने उसके बाद धक्का दिया, बुआ अलग हो गई, बबुआ अलग हो गए, साइकिल गई, जनता गई रूट, परिवार में पड़ गई फूट, अब इनको बुरा लगेगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वायरल डिबेट शो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले, वो होने वाला है टाइम्स नाउ नवभारत चैनल का। दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर बहस होगी, जिसमें दोस्तों आपको बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी के बीच में काफ़ी तीखी बहस इसी मुद्दे पर इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो का अंत तक दोस्तों देख के जाइएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमें मोदी जी का विरोध नहीं है, हमारा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के साथ हम लोग खड़े हैं। पहले आप अपनी लाइन ठीक कर लीजिए, दिक्कत आपकी भी नहीं है, आप भी क्या करेंगे, वहां कहा भी गया है कि आपके लिए भी तो हम लोग काम कर रहे हैं ना, जंजीरों से जो बंधे हैं उनको भी हमें तोड़ना है, तो इसलिए इंडिया तो सबके साथ खड़ा है। एक बात, दूसरी बात, आपने कहा गुगली, अरे भारतीय जनता पार्टी गुगली क्या फेंकेगी, वो गुगली ले रहे गए या इन स्विंग पड़ गई, इन स्विंग जैसी पड़ी बॉल गिरी और गिल्ली उड़ गई, उन्होंने देखा मेरी गिल्ली उड़ गई, अब गिल्ली उड़ गई तो परेशान है, तब खोज रहे हैं कि वहां कन्वेनर नहीं हुआ, तो फलाना नहीं हुआ, तो चेयर खाली थी, तो चेयर भरी थी, तो वो चले गए, वो आ गए। अरे भैया इंडिया एक है, राष्ट्र के मुद्दों पे हम एक हैं, हमारे पास बहुत देश को बचाने के लिए, या महिलाओं के सम्मान के लिए, किसान के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए, महंगाई बेरोजगारी रोकने के लिए हम पूरा इंडिया एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक हैं। और हमारे पास जो बार बार आप बोलते हो लीडर, हमारे पास लीडर की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास विभिन्न भाषाओं, विभिन्न वेशभूषाओं, संस्कृति वाले लोग हैं। आप देखिए अगर पश्चिम बंगाल से देखेंगे तो वहां बहन जी, वहां पे ममता बहन जी दहाड़ देती हैं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की वो भी हैं। उत्तर प्रदेश का देखोगे तो 36% लेकर अखिलेश यादव जी आते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से, इतनी मजबूत स्टेट से, वो भी प्रधानमंत्री जी के कैंडिडेट हैं। और अगर बिहार से बात करोगे तो वहां नीतीश कुमार जी भी आते हैं, कांग्रेस से बहुत सारे कैंडिडेट हैं। एनडीए के पास एक भी चेहरा नहीं है, एक चेहरा है, दूसरा चेहरा नाम नहीं ले सकते। मैं नाबिका जी चैलेंज से बोलता हूं, एक चेहरे के अलावा क्या वहां पे तानाशाही है, इसलिए एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरे का नाम नहीं ले सकते, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सपा की बौखलाहट जो है मैं समझ सकता हूं। देखिए है क्या, आज अखिलेश यादव को बुलवाया भी नहीं, अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं वहां से, और नाबिका जी उनको इज्जत नहीं दी गई और बुलवाया नहीं क्या? अब ये पोस्टर देखिए मैं लेके आया हूं, जैसे रावण के कई सर थे ऐसे ही कुछ सर दिखाए हैं, अब इसमें एक छोटा सा देखिए लाल टोपी लगाए व्यक्ति बैठा है, ये अरे उद्धव ठाकरे से भी छोटा, उद्धव ठाकरे से छोटा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। अच्छा इसकी वजह है 5.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जब थे तो लोग पूछते थे आधा मुख्यमंत्री कौन है, तो सब कहते थे अखिलेश बाबा है, ये वही बबुआ है जो बुआ की गोदी में बैठे थे और बुआ ने उसके बाद धक्का दिया, बुआ अलग हो गई, बबुआ अलग हो गए, साइकिल गई टूट, जनता गई रूट, परिवार में पड़ गई फूट, अब इनको बुरा लगेगा। तीसरी बात इनको मैं बता दूं, 2017 में कांग्रेस के साथ आए, हुआ क्या? कुछ नहीं। 2022 में मुंगेरी लाल के सपने देके 300 सीटें आएंगी, हुआ क्या? कुछ नहीं। 2019 में हुआ के साथ जाके बैठ गए, सीटें आई 5। अरे भैया 80 में उत्तर प्रदेश में 5 सीटें लाते हो, आज 3 पे सिकुड़ गए हो, ऐसे सिकुड़ रहे हो, लोग कह रहे हैं धोती बन गई रुमाल, और रुमाल बन के क्या होगा बताओ, कैसे छुपाओगे अपनी इज्जत? देखिए अनंका जी, सवाल नहीं है, दो बड़ी बड़ी बातें, और मुझे लगता है कि नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी के टीम के लोगों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी बार बार दलाल दलाल बोलते, थोड़ा सा मैडम उससे पहले आप बार बार घमंडिया सुन रही है, ये सब तो भाषा तो आपको देंगी, आप ही लोग नेता हैं इस देश के, आप ही को स्तर तय करना है। अगर आप समझते हैं कि ये पार्लियामेंट्री वर्ड है, भाषा की मर्यादा रखना, भाषा की मर्यादा रखना बड़ों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर बड़ों के पास अपने शब्द की मर्यादा नहीं है तो छोटे आजाद होते हैं बोलने के लिए। गौरव हमारे बड़े भाई हैं, उनकी मर्यादा होती है कि भाषा का ध्यान रखे। मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दूंगा और उसके बाद आनंद भाई की बात। कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा दलाल दलाल दलाली दलाली क्यों बोलते हैं? फिर समझ में आया कि देश की दलाली सबसे ज्यादा किसी ने करी है तो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार ने, जिसके 3 सदस्य बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे, और भाषा की मर्यादा की बात करते हैं सुब्रांज आप,
नरेंद्र मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री है, चौकीदार चोर है बोल दिया। 2019 में जनता ने ऐसी लात मारी, कांग्रेस अभी तक गाल फूला हुआ है, गाल पे लात मारी, सोचिए। और आप बताइए मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये किस तरह की भाषा है राहुल गांधी की? अरे उत्तर प्रदेश में आपके सांसद कितने, एक, विधायक कितने, दो, और राजनीतिक हैसियत भी कटोरा लेके, कभी पश्चिम बंगाल जाते हो, कभी उत्तर प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, हैसियत क्या है आज? भीख का कटोरा वो पार्टी लिए जो कभी सीटें बांटी थी। खैर छोड़िए, इनको वक्त ने इनको खत्म कर दिया, दलाली कर रहे थे देश की। मैं आनंद भाई से भी कहा था की मर्यादा रखी जाए तो जनता के लिए भी अच्छा होगा। तो दलाल किसने बोला मेरी पार्टी को? मैंने तब भी ऑब्जेक्शन रेज की थी, वो आपसे भी परिवार ने हमेशा दलाली करी, गांधी परिवार जाना जाता है दलाली करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों ये डिबेट 2024 के चुनाव को लेकर थी, जिसके अंदर दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष इस डिबेट में रखे। अब दोस्तों बात करते हैं अनुराग भदौरिया साहब की। अनुराग भदौरिया साहब ने इस डिबेट में कहा कि हमारे जो इंडिया गठबंधन है उनके पास तो कई चेहरे हैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट के, लेकिन बीजेपी में बताइए एक चेहरा भी। क्या आप इस नेता को बना सकते हो, क्या आप इस नेता को बना सकते हो बीजेपी के अंदर प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार? तो दोस्तों मैं अनुराग भदौरिया साहब से यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी के अंदर पार्टी डिसाइड करती है कि उसका मुख्य चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन आप लोगों की पार्टी के अंदर एक परिवार तय करता है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। चाहे वो आपकी पार्टी ले लो समाजवादी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस ले लो, चाहे वो जेडीयू ले लो, चाहे वो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी शिवसेना ले लो, चाहे कोई भी पार्टी ले लो, तो इससे साफ पता चलता है कि आपकी पार्टी परिवारवाद पर टिकी हुई है और सिर्फ उसे सत्ता की भूख है। लेकिन वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर कोई आदमी तय नहीं करता, बीजेपी के अंदर एक पार्टी तय करती है कि उसका उम्मीदवार कौन होगा। तो आप अपने मुंह से ये बातें तो बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। खैर दोस्तों आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोज़ का, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।